इसके बाद मसीह यीशु ने भीड़ को दोबारा अपने पास बुलाकर उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके। मनुष्य को अशुद्ध तो वो करता है जो उसमें से बाहर आता है। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब भीड़ से विदा ले वो घर में आ गए, उनके शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत के विषय में प्रश्न किया। इसके उत्तर में मसीह यीशु ने कहा, क्या तुम में भी बुद्धि का इतना अभाव है? क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि जो कुछ मनुष्य में बाहर से प्रवेश करता है उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके हृदय में नहीं परंतु उसके आमाशय में जाता है और बाहर निकल जाता है। इस प्रकार मसीह यीशु ने सभी प्रकार के भोजन को स्वच्छ घोषित कर दिया। जो मनुष्य में से बाहर आता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य के भीतर से, मनुष्य के हृदय ही से बुरे विचार बाहर आते हैं, जो उसे चोरी, हत्या, व्यभिचार, लोभ, दुराचारिता, छल कपट, कामुकता, जलन, निंदा, अहंकार तथा मूर्खता की ओर लगा देते हैं। ये सभी अवगुण मनुष्य के अंतर से बाहर आते हैं तथा उसे अशुद्ध करते हैं।